आपको बताते चले कि आगरा के जिला मुख्यालय पर जहां पर आगरा के SSP व जिलाधिकारी का कार्यालय बना हुआ है, वहां भी दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। बेखौफ दर्जन भर दबंगों ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर अधिवक्ता के साथ जमकर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वहीं जिला मुख्यालय पर अधिवक्ता पर हुए हमले से पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। एक वकील पर हमला हुआ कलेक्ट्रेट में, क्या जानकारी? देखिए, आपसी रंजिश को लेके राहुल उपाध्याय नाम के एक व्यक्ति पे करीबन 4-6 लोगों ने और कुछ उनकी हाथापाई हुई है। यहाँ पे उनको तत्काल जो है इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है, उनका मेडिकल भी कराया गया है। सिंपल इंजुरी उनको आई है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है, CCTV फुटेज से हम लोगों को पता चले, कुछ लोगों के नाम भी आए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हमला करने वाले कौन है? देखिए, कुछ नाम शामिल इसमें पता चले हैं। आपसी कुछ इनके आपसी आपस में जानने वाले हैं एक दूसरे को, नाम कुछ सामने आया है, इसके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा। कलेक्ट्रेट में पहले फायरिंग हुई, मारपीट हो गई है, तो सुरक्षा को लेकर कुछ एहतियात और बरती जाएगी? देखिए, सुरक्षा ऑलरेडी काफ़ी पुख्ता है कलेक्ट्रेट की, और इसमें हम लोग देखेंगे कि मारपीट कहाँ पे हुई है, किस वजह से हुई है, क्या कारणों की वजह से मारपीट हुई है, और सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा,